करें। अगर आपको प्रेम का स्वरूप जानना हो तो उस प्रेम का स्वरूप जानने के लिए आप उस प्रसंग की ओर दृष्टि डालें जहां सुमित्रा अम्मा ने श्री लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। अब यह एक सूत्र आपके सामने मैं रख दूं और वो ये है कि श्री लक्ष्मण जी निरंतर जागृत रहते हैं, निरंतर जागते तो भक्ति का एक पक्ष वह है, प्रेम का एक पक्ष वह है कि व्यक्ति को जहां निरंतर जागते रहना है, सतत सावधान रहना, पर भक्ति का एक दूसरा पक्ष भी है और वह पक्ष है जहां पर निरंतर भक्त को सोते रहना। बस दोनों में अंतर यही, जब तक करना है तब तक जागृत रहना है, सजग रहना है, पर जब वह स्थिति समाप्त हो जाती है तो उस समय तो गहरी नींद में जैसे व्यक्ति को एक चरम विश्राम की अनुभूति होती है, कुछ करने की वृत्ति नहीं रह जाती का मानो दोनों में बस उसका सूत्र कह सकते हैं कि साधना प्रधान भक्ति भक्ति है और कृपा प्रधान भक्ति जो है वो निर्भरा भक्ति है। साधन प्रधान प्रेम का लक्ष्मण जी के जीवन में जो निरंतर जागृति है, चैतन्यता है, उस चैतन्यता का अभिप्राय है कि उनके चरित्र में एक क्षण के लिए भी प्रवाह बनाई है असावधानी ने। वर्णन आता है ना, श्री लक्ष्मण प्रभु के साथ बन जाना चाहते हैं, प्रभु उनको उनसे बार बार ही आग्रह करते हैं कि नहीं नहीं तुम अयोध्या में रह करके ही सबकी सेवा करो, यह भी मेरी भक्ति का ही एक रूप है, तुम मेरे साथ चलने का आग्रह मत करो। पर जब श्री लक्ष्मण प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं दुर्बल और व्याकुल भाव से, तो प्रभु अंत में श्री लक्ष्मण से कहते हैं मानो विदा मां प्रसन्न जाई और आवहु वेग चलहु बन भाई। लक्ष्मण जाओ और मां से विदा लेकर के तुम आओ और वो मेरे साथ चल। आप इतने वर्षों से सुन रहे हैं तो उसमें सुमित्रा अम्बा का स्वरूप आप जानते ही होंगे, पर मैं याद दिला दूं कि तीनों ही जो रानियां हैं उनमें सुमित्रा जी जो है वो मूर्तिमती उपासना है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कह के ही वेदो दशरथो नृप। तो मानो उपासना का क्या स्वरूप है, भक्ति का ही एक पर्यायवाची है उपासना। उपासना का स्वरूप क्या है अगर कोई व्यक्ति जानना चाहे तो उसे सुमित्रा अम्मा और लक्ष्मण के वार्तालाप और संवाद को पढ़ना चाहिए। प्रभु ने जानबूझ करके, क्योंकि प्रभु को तो सावधानी से शब्द का प्रयोग करना पड़ा, प्रभु ने यह नहीं कहा कि जाकर के मां से आज्ञा ले आओ, प्रभु ने कहा मांगो विदा, मां से विदा ले आओ। तो दोनों में तो अंतर है, आप आज्ञा जब किसी बड़े से ले जाए कि मैं क्या करूं तो आज्ञा मानने की आपको बाध्यता है, पर जब आप विदा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जाने का निश्चय कर चुके हैं, अब केवल अंतिम प्रणाम के रूप में विदाई निर्णय जाते हैं कि अब आपसे विदा लेता हूं। तो प्रभु जानते थे कि अगर लक्ष्मण से मैं कह दूंगा कि आज्ञा मांग करके आओ तो ये यहां से हटेंगे नहीं, महाराज तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने रोक दिया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है तो मैं क्या करूं। तो प्रभु ने कहा कि बस केवल तुम विदा मांग करके, श्री लक्ष्मण को तब भी चिंता हुई, हाँ आज्ञा की का बंधन तो प्रभु ने नहीं जोड़ा, पर विदा लेने में भी अगर अत्यंत विलंब हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो प्रभु ने एक शब्द और जोड़ दिया, प्रभु ने कहा मांगो विदा मां तो सन जाई आवो वेगी,
शीघ्रता से आओ। ये शब्द प्रभु का मानो यह संकेत करने वाला था कि लक्ष्मण तुम ये कल्पना भी मत करो कि मां तुम्हें विदा करने में विलंब करेंगे, वो तो इतनी शीघ्रता से विदा करेंगी कि तुम चकित हो जाओगे। तुम जो कल्पना और भय लेकर के जा रहे हो, तुम्हें लगेगा कि वो मेरा भय जो है वो कितना मिथ्या है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब वो मां से विदा लेकर के चले तो गोस्वामी जी उपमा कौन सी देते। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, मां तो चरण शरण आय चले तो संकेत हृदय बांगुर विषम तुराय मन भाग नृप भाग बस। जैसे कोई मृग जाल में फंसने ही वाला हो और अचानक उसको जाल से मुक्ति मिले तो उस समय वो कितनी शीघ्रता से भागेगा। लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि अरे तो जो मैं अत्यंत भयभीत था वो माता के स्नेह का वो जो एक वात्सल्य और स्नेह का जो वो जाल है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करता है इतनी सरलता से मैं छूट गया। प्रश्न यही है प्रभु ने विदा लेने के लिए भेजा क्यों, प्रभु का उद्देश्य क्या था। और सचमुच उसका उद्देश्य मानो यह था कि जैसे साधना के पहले गुरु से मंत्र दीक्षा लेने का विधान है, इसी प्रकार से प्रभु को ऐसा लगा कि लक्ष्मण यदि साधन पथ पर चल रहे हैं मेरे साथ चलने का इनका इतना प्रबल आग्रह है तो पहले उपासना की दीक्षा तो ले ले। उपासना का स्वरूप क्या है, कई उपासना के स्वरूप को वो स्वयं समझ ले पूरी तरह से, तभी इनका चलना सार्थक होगा। और सचमुच वो पूरा वार्तालाप उपासना के रहस्यों से भरा हुआ। जाते हैं इस लक्ष्मण मां के पास, उस समय लक्ष्मण जी की आकृति पर जो व्याकुलता है जो दुख है आंखों में आंसू है वह मां से छिपे हुए नहीं। मां ने देखा और देखकर ही समझ गई कि कुछ ऐसा हुआ है कि सर्वदा निश्चिंत रहने वाला लक्ष्मण आज बड़ा व्यथित दिखाई देता है। पर मां ने प्रश्न पूछ दिया, लक्ष्मण जी ने सारा समाचार सुनाया, कैसे उनको वन जाने की प्रभु को वन जाने की आज्ञा दी गई है, प्रभु वन जा रहे हैं मैं भी उनके साथ जाने के लिए प्रस्तुत हूं, मैं आपसे विदा लेने के लिए आया हूं। और तब दीक्षा प्रारंभ हो गई। और वो दीक्षा क्या है कि भाई जब हम किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसका अभिप्राय है कि अपनी अपेक्षा का उसमें हम श्रेष्ठता की जब तक श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक उसे गुरु कैसे स्वीकार करेंगे। तो वहां पर दीक्षा क्या है, लक्ष्मण जी तो प्रभु के कहने से मां के पास चले आए, पर मां वह ऐसी अनोखी है कि जिनको यह लगा कि यहां आकर के ही लक्ष्मण ने भूल की। यह अद्भुत बात, शायद ही संसार की कोई मां ऐसी हो जो ये चाहती हो कि उसका पुत्र 14 वर्ष के लिए कहीं वन में जा रहा हो और वो मिलने तक ना आवे। पर सुमित्रा अम्बा एक ऐसी माता है कि उन्होंने कहा, लक्ष्मण उन्होंने जब तुम कैसे ये कहा कि मां से विदा मांग करके आओ तो क्या मां से विदा मांगने के लिए तुम्हें इतने दूर चल करके आने की आवश्यकता थी क्या, क्यों बोले मां तो वही थी और वही थी तो तुम तो तुमको तो चाहिए था कि बस उनके समक्ष निवेदन कर देते और यदि यहां ना आते तो मुझे विशेष संतोष होता। मगर साधक को ऐसा लगा कि जिन लक्ष्मण में साधना की इतनी ऊंचाई है मां तो उससे भी कहीं आगे है। और मां के शब्द वही है, ता तो तुम्हारी मां तो वैदेही पिता राम सब भात सने। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने जो कुछ प्रभु से कहा था
माँ ने उसे ऐसा प्रेम भरे स्वर में काट दिया कि लक्ष्मण को लगने लगा कि मुझसे तो बोलने में पग पग पर भूल हो गई। प्रभु ने कहा मां से विदा मांग लिया हो तो मां की कहने से लगता है कि मैंने यहां के भूल की। लक्ष्मण जी से जब प्रभु ने कहा था कि तुम अयोध्या में रहो तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपको छोड़ करके अयोध्या में नहीं रहूंगा। पर मां ने अगले वाक्य के द्वारा मानो ये बता दिया ये भी तुमने कह करके ठीक नहीं किया कि मैं अयोध्या नहीं रहूंगा। जब श्री राम कह रहे थे कि तुम अयोध्या में रहो तो तुम्हें कहना चाहिए था कि आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, मैं अयोध्या में ही तो रहना चाहता हूं। और तब मैंने अयोध्या की जो परिभाषा बताई वो तो लक्ष्मण जी की परिभाषा से भी आगे थी। उन्होंने कहा तुमको तो प्रभु से कह देना चाहिए कि मैं रहना तो अयोध्या में चाहता हूं, पर अयोध्या की परिभाषा क्या है, किसी भूमि का नाम अयोध्या है, स्थान का नाम है, क्या है? और तब मैंने एक नई परिभाषा दे दिया लक्ष्मण को, तो हमारी अवध जहां राम निवास, जहां राम अयोध्या में राम नहीं रहते बल्कि राम जहां रहते हैं वही अयोध्या होती। और ऐसी स्थिति में और फिर दृष्टांत दिया। तब उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति दिन और रात्रि कहता है तो सही शब्द नहीं, कोई ये कहे कि इतने घंटे का दिन इतने घंटे की रात्रि, दिन और रात्रि की परिभाषा घंटों में नहीं, दिन की परिभाषा यही है कि जिस समय जहां सूर्य है वहां दिन है। अब यहां हम बैठे हुए भारतवर्ष में हम कहेंगे रात्रि, अमेरिका वासी कहेंगे दिन है, इंग्लैंड वाले कहेंगे दिन है, और उसकी परिभाषा यही कि दिन और रात्रि की तो एक ही परिभाषा है। वो सूर्य है, दिन और रात्रि की सत्ता सूर्य में निहित है, कोई अंक में नहीं लेते। और उन्होंने तुरंत कहा तहीं अवध जह राम निवासु, अरे तहीं दिवस जह भानु प्रकाश हो। कैसे में यही इसका अभिप्राय यह है कि जब साधक को ये लगने लगे कि मेरी साधना में पग पग पर कमी है, ये बड़ा भारी सूत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसको अपनी साधना में और सेवा में विशेषता दिखाई देगी वह व्यक्ति तो अभिमानी हुए बिना नहीं रहेगा, किंतु मां का जो उपदेश है वो प्रतिक्षण स्मरण दिला रहा है कि न न अभी कुछ मेरे चिंतन में ही कमी है। और इसीलिए आपको इस भाव की परिपुष्टि मिलेगी जब केरट निषाद राज ने भगवान से कहा, एक गांव के छोटे से रहने वाले थे पर भगवान श्री राम से उन्होंने यही कहा कि कृपा करिए पुर धारिय पाऊं, कृपा करके मेरे पुर में पधारिए। नियम तो यह है कि जिनकी बड़ी अट्टालिका भी होती है वो किसी को निमंत्रण देते हैं तो कहते मेरी कुटिया में आई। तो महल को कुटिया कहने की तो परंपरा है, पर कुटिया को कोई कहे कि मेरे महल में आइए पधारिए तो बड़ा विचित्र लगेगा, कहना तो चाहिए मेरे से छोटे से गांव में आइए। पर उन्होंने कहा कि ना ना कृपा करिए पुर धारिय पाऊं, और यह शब्द मानो सुमित्रा अम्बा के उपदेश का ही सूत्र था। सुमित्रा अम्बा से अगर कोई निषाद से पूछ दे कि गांव को आप पुर कैसे कह दे रहे, बोले जब तक प्रभु नहीं वहां है तब तक वो गांव, और जब प्रभु जहां जाते हैं वो अयोध्यापुरी बन जाती है, तो मेरा गांव भी मैं क्यों मानू, मैं तो यही कहूंगा कि वो आपका संकल्प है तो पुर है। तो मानो सांकेतिक अभिप्राय ये कि वो अनुभूति पहला दूसरा उत्तर, फिर आगे और सूत्र बढ़ा क्या लक्ष्मण जी ने कह दिया था, उतर आवत प्रेम बस ग्रहे चरण अकुला नाथ दास मैं स्वामी तुम। तो जब तो कहा दशा है प्रेम ने कहा गुरु पिता माता की सेवा, बोले गुरु पितु मा तू न जानो था हो कहा उस आव नाथपति अब मोरे भाई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी मन क्रम विचरण चरण तो होई कृपा सिंह परिहरी की सोई। प्रभु को स्वीकार करना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी सब कुछ छोड़ करके
प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं, माता को, पिता को, गुरु को, राज्य को, संपत्ति को सब छोड़ करके जा रहे हैं। फिर वही तीसरी आशंका, त्याग करने के बाद भी मैंने त्याग किया है, ये बात अनेक साधकों के जीवन में पाई जाती, माने उसको भी जड़ काट दिया। माने कहा भूल के लिए न समझना कि तुम उनके लिए त्याग कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए त्याग कर रहे हैं। यही है भक्ति की उपासना की दृष्टि, गुण अपने में नहीं, गुण भगवान में, गुण तुम्हार समझे न दोषा, यही सब भारत तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागे यही तेरी गुण बसु सदा रह दे। उन्होंने कहा राम तुम क्या त्याग कर रहे हो, कौन सी तपस्या तुम करने जा रहे हो। मां क्या किन शब्दों में कहते नहीं लक्ष्मण, क्या बढ़िया यात्रा तुम्हारी होने जा रही, क्या आनंद मनाने जा रहे हो। क्यों बोले तुम कह बन सब भांति सुपासु संग पुतु मां तो राम से जासु। कोई बालक मां बाप के साथ जा रहा हो और वो कहे कि मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। तुम अपनी मां के साथ, अपने पिता के साथ, और सोचो यहां तुम्हारे माता पिता थे तो उन्हें सबका ध्यान रखना पड़ता था, और अब तो तुम अकेले ही मां और पिता के कांगों प्रेम का आस्वादन करोगे। और साथ साथ कह दिया तुम रही है तो राम बन जाही, दूसरे है तो तात कछु नाही। देखो तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहे, तुमको ये निरंतर इच्छा रहा करती थी, कितना अच्छा होता कि प्रभु की सारी सेवा में ही करता, तो प्रभु को लगा होगा कि भाई यहां तो सेवा का बंटवारा कर नहीं होगा, इसलिए वो तुम्हारे लिए चले जा रहे हैं मन में। अच्छा लक्ष्मण तुम्हें जितनी सेवा करना हो अकेले ही पूरी कर, अथवा अगर भगवान पृथ्वी का भार उतारने जा रहे तो पृथ्वी को धारण करने वाले तो शेष है, भार तो उन्हीं पर है, और इसका अर्थ है कि तुम्हारा ही भार हल्का करने के लिए ही तो इतना कष्ट सह रहे। माने मानो स्पष्ट कर दिया तुम न त्यागी हो, न तुम ये समझना कि तुम वन में जा रहे हो, न तुम ये समझना कि तुम माता पिता को छोड़ के जा रहे हो। और फिर प्रसन्न हो गई मां, लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु ने कितनी कृपा किया यहां भेज करके, कि देखो तो मां ने कैसे अद्भुत सूत्र दे दिए। और उसके बाद वो जो प्रेम की व्याख्या माने की, सेवा की जो व्याख्या की, वो व्याख्या ही तब भक्त साधना की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम यदि अपने श्री राम की सेवा करना चाहते हो तो तुम याद रखना क्या राग दोष ईर्षा मद मोह जन सपन इनके बस हो सकल प्रकार विकार भाई मन क्रम वचन करें उसे उकाई। एक भी विकार जीवन में दिया गया, माने कितनी बड़ी बात कह दी, कोई महल छोड़ देना, कोई घर छोड़ देना, छोड़ना थोड़ी व्यंग ये था। और संकेत रामायण में भी मिला, जब भगवान राम बन जाने लगे तो अयोध्यावासी भी चल पड़े, और वो सोच रहे थे कि हम सब कुछ छोड़ करके श्री राम को के लिए सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन जो ही रात हुई ऐसी गहरी नींद आई, प्रभु ने देखा सुमंत्री जी को अब रथ पर बैठा करके चलिए, कब जिसको छोड़ करके वे नहीं जा सके वो एकमात्र लक्ष्मण थे, क्योंकि सारे अयोध्यावासी सो रहे थे, अगर कोई जग रहा था तो लक्ष्मण जग रहे थे। सांकेतिक अर्थ क्या, मानो कहीं न कहीं अयोध्यावासियों को ये अभिमान हुआ होगा कि हमने प्रभु के लिए कितना त्याग किया है। पर दिखाई दे गया क्या कि पलंग को छोड़ करके तो चले आए पर नींद को तो साथ ही लेते आए। महत्व तो नींद का है कि महत्व तो पलंग का, छोड़ना नींद को है कि छोड़ना पलंग को, पलंग छोड़ दिया और नींद जो है वो लेके चले आए, संपत्ति छोड़ दिया, वस्तु छोड़ दिया
और सारे विकार जो है लेकर के चले आए। मैंने कहा कि एक भी विकार अगर रह जाएगा तो सेवा ठीक ठीक नहीं होगी। याद रखना, एक भी विकार जब विकार शून्य होकर सेवा करोगे तो वो सच्ची सेवा होगी। और उसके बाद फिर कृपा मां की, पुत्र को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए यही कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। वही है प्रेम की व्याख्या। प्रेम की चरम परिणति को रामायण में रति के रूप में प्रस्तुत किया गया। रति, बस जो भक्त मांगता है, श्री भरत भी मांगते हैं, तो यही मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चढ़ो निर्भर जन्म जन्म रति राम पर। पर यहां तो माने रति के साथ भी कई शब्द जोड़ दिए। लक्ष्मण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती रति हो, पर रति नहीं अविरल। अविरल के बाद फिर एक शब्द जोड़ दिया अमल, और अमल के बाद फिर एक वाक्य जोड़ दिया नित नित नहीं। यह है प्रेम के व्याख्या। रति का अभिप्राय है काम की पत्नी का नाम रति है, और वो रति का स्वरूप मानो पति पत्नी के मिलन के संदर्भ में तो उस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, पर मानो ईश्वर से मिलन की जब तीव्र आकांक्षा हो और उनसे जब मिलन हो, उस मिलन की स्थिति को ही भक्तों ने रति की संज्ञा दिया। काम और रति माने प्रभु को कामने के पाने की जब आकांक्षा है, तीव्र कामना है, तो मानो ये काम का स्वरूप हुआ, और जब उनसे मिलन हो गया तो मानो वो रति हो। उपनिषदों में इसको ही दृष्टांत देकर के ब्रह्म सुख के अनुभव का स्वरूप प्रस्तुत किया, पर उसमें कुछ कमी है, और उस कमी को माने बताया कि कौन सी कमी। संसार में जो रति होती है वो अविरल नहीं होती, हो ही नहीं सकती है। और उसका अभिप्राय यह कि कितने देर तक व्यक्ति अपने प्रिय से बिल्कुल उसके सन्निकट रह सकता है, आलिंगित रह सकता है, फिर तो एक विरलता। अविरल और विरल का अभिप्राय है कि जैसे कोई वस्तु बुनी जाए उसमें बीच बीच में स्थान हो, तो संसार में जो रति है वह तो अविरल नहीं होती, तो वो रति का एक उन्माद है और उसके पश्चात उसमें विरलता है। तो मैंने कहा कि लक्ष्मण श्री राम के चरणों में तुम्हारी रति ही न हो अविरल हो। पर इतने से भी मां को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा ना, जैसे नदी बह रही है तो अविरल बह रही है, तो रति की धारा अगर नदी की तरह अविरल बहे तो उसे तो अविरल कहेंगे। पर आपने देखा बरसात में नदी अविरल तो बह रही है, पर गंदगी कितनी भरी हुई, उस जल में मलिनता कितनी है। तो मैंने जोड़ दिया अविरल के साथ साथ अगर कहीं वासना की मलिनता भी बनी रही तो फिर वो रति जो है वो सही नहीं है। इसलिए मैंने दूसरा शब्द जोड़ा रति हो विरल अमल। और अमल का अभिप्राय यह है निरंतरता हो और उसमें कहीं पर मल का लेश न। और मल के लेश की व्याख्या तो इतनी कठिन है, कौन से मल नहीं होने चाहिए। तो रामायण में मोह जलित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिकाधिक लपटाई श्रवण पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय विषय दोष पर गाये सब प्रकार मल भाग भार लाग निज नाथ चरण विसराए नैन मलिन पर नारिन रख मन मलिन विषय संग लागे जीव मलिन बासना मोह मद सहज जीव सुख त्यागे। इतने तो मलिन वो सभी जिन का सब प्रकार मल भार, इतना ढेर ढेर सा सारे अंग प्रत्यंगों में मल लगा हुआ है। और उसका अभिप्राय यह है लक्ष्मण अविरलता के साथ साथ अमलता की आवश्यकता है। पर उतने से भी मां ने कहा कि ना, इसके साथ भी एक वस्तु की और अपेक्षा है। संसार में नई वस्तु है
वो व्यक्ति को अधिक आकृष्ट करती है, प्रिय लगती है, और जो जो पुरानी पड़ती जाती है उसका आकर्षण कम हो जाता है। ये मानव प्रकृति का एक अंग है, कहीं संसार में भी दिखाई देता है। किसी व्यक्ति का किसी के सौंदर्य के प्रति आकर्षण हो जाए, उसको उसमें कितना दिव्य सौंदर्य दिखाई देता है, पर वही जब पति पत्नी के रूप में विवाहित हो जाते तो वो सौंदर्य जो दिखाई देता है वो धीरे धीरे ऐसा समाप्त होता है कि वो सौंदर्य जिसको देख करके वो व्यक्ति न जाने कैसा अनुभव करता था उसमें कोई आकर्षण ही नहीं लगता। तो समस्या यही है कि नई वस्तु जो है उसमें आकर्षण तो है पर ठोस है कि नहीं, इसमें संदेह। और पुरानी वस्तु ठोस तो है पर उसमें रस है कि नहीं, ये समस्या है। इसलिए माने एक शब्द और जोड़ा, उन्होंने कहा लक्ष्मण रति बोल अव्यन अमन, और उसके साथ साथ अंतिम शब्द था रघुवीर पद नित नित नई। विचित्रता यह है कि तुम जितने दिन अधिक साथ रहो प्रेम उतने नया होता जाए। बड़ी अद्भुत हुआ हो गई, जो जो साथ रहेंगे तो समय बीतेगा तो प्रेम पुराना पड़ना चाहिए। मेरा जिन्हें व्यंग कर दिया भगवान श्याम सुंदर पर, उन्हें लगता है मीरा के प्रभु गिरधर नागर अब तो नेह पड़ो पशु मंदा, लगता है यह प्रेम कुछ जय पहले की अपेक्षा मंद पड़ गया। पर मां कहती है कि नाना जब तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आवेगी तो ही रति की परिपूर्णता होगी। बस लक्ष्मण जी ये महामंत्र लेकर के राम चरण सिरनाय चले तुरंत संकित हृदय बांगड़े विषम तुराय मनो भागद्रप भागवत। और सचमुच लक्ष्मण जी के जीवन में उनकी भक्ति में उनके प्रेम में आपको अविरलता मिलेगी, निर्मलता मिलेगी और नित्य नूतनता मिलेगी। जो कभी सोया ही नहीं और जागते हुए भी जिसने क्या देखा, गोस्वामी जी कहते हैं छिन छिन लख छिन छिन, एक एक क्षण में लक्ष्मण जी की जो दृष्टि है वो कहां है, छिन छिन लख सिंह राम पद। बस यही यही, आप किसी के अंग को कितने देर देखिएगा, पर जिनको श्री सीता जी के चरणों को उन्होंने देखा, श्री राम के चरणों को देखा, पर गोस्वामी जी कहते हैं छिन छिन लख सिंह राम पद जान आप पर ने। किसी ने पूछ दिया कि किसी कोई व्यक्ति त्याग करके भी जाता है, पर जिसका त्याग करके जाता है उसकी याद तो कभी कभी आती ही है, और यदि आती है तो लक्ष्मण जी को कभी सुमित्रा जी की, कभी अपने पिताजी की, अपने प्रिया पत्नी की याद आई कि नहीं आई। इस पर तो हमारे मैत्री शरण जी ने कसाइत में इसको लेकर के बड़ा एक हंगामा है, उर्मिला की उपेक्षा हो गई। तो उर्मिला ये ठीक है, वो काव्य के संदर्भ में लोगों की भावना ऐसी है, पर गोस्वामी जी कहते हैं करतल सपन लखन चित बंधु मां तो पितु गए, जागृत की तो बात क्या है, सपने में भी उनको कभी किसी की याद आई नहीं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि जब सोए नहीं तो आप सपने की बात क्यों कर रहे, आप तो ये कहते हैं जागते ही रहते हैं। तो गोस्वामी जी का संकेत यह था कि सपना रात में ही नहीं आता, ये दिवा स्वप्न देखने वाले भी अनेक लोग हैं, ऐसे होते बैठे हुए हैं लग रहा है जग रहे हैं, और वो एक कल्पना के जगत में घूम रहे हैं, वो जो घूम रहे हैं उसी के लिए शब्द कहा गया दिवा स्वप्न। वो लक्ष्मण जी के जीवन में पूरी तरह से विद्यमान है, अविरल मन श्री रघुवीर पद नित नित नहीं। तो ये मानो प्रेम की पराकाष्ठा, रति की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा।